नंबर 4, पानी की टंकी। प्लास्टिक की पानी की टंकी का आकार जितना बड़ा होता है उसे बनाना उतना ही ज्यादा आसान है। पानी की टंकी बनाने के लिए एक चैम्बर बनाया जाता है और उस चैम्बर में 4 सांचे होते हैं। टंकी बनाने के लिए सभी सांचे में LLDPE पाउडर का मिक्सर डाला जाता है। इसके बाद सांचे को अच्छी तरह से बंद किया जाता है। सांचे को बंद करने के बाद चैम्बर भी बंद किया जाता है। बंद करने के बाद चैम्बर का रोटेशन चालू किया जाता है और साथ ही हीट मशीन भी ऑन कर दी जाती है। हीट मशीन ऑन होने से चैम्बर के अंदर का तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे पाउडर पिघल कर सांचे के आकार में ढल जाता है। टाइम पूरा होने के बाद चैम्बर को खोलकर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। नॉर्मल तापमान होने पर तैयार पानी की टंकी को सांचे से निकाल दिया जाता है और टंकी तैयार हो जाती है। नंबर 5, सोना। सोने की तैयार करने का प्रोसेस काफी सिंपल है। पुराने सोने को हाई टेम्परेचर वाली मशीन में डालकर पिघलाया जाता है। जब सोना पिघल कर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तब इसे लोहे से बने एक सांचे में डाला जाता है। ठंडा होने के बाद इसे सांचे से निकाल कर पॉलिश की जाती है और सोने की तैयार हो जाती है। सोने की ज्वेलरी बनाने का भी स्टार्टिंग प्रोसेस कुछ ऐसा ही होता है। जो भी जेवर तैयार करना हो उस सांचे में सोने के लिक्विड फॉर्म को डाला जाता है। ठंडा होने के बाद इसे सांचे से निकाला जाता है और बाकी का काम हाथों से पूरा किया जाता है। ज्वेलरी पर बारीक डिजाइन CNC मशीन द्वारा किया जाता है। मशीन में बस डिजाइन सेट करना होता है और बाकी का काम मशीन खुद कर देती है। मुश्किल से मुश्किल डिजाइन भी मशीन बड़ी ही सफाई के साथ कर सकती है। नंबर 6, प्लास्टिक का सामान। प्लास्टिक से बना सामान जितना ज्यादा टिकाऊ होता है उसे बनाना भी उतना ही ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले प्लास्टिक के मटेरियल HDPE को हाई टेम्परेचर वाली मशीन में डाला जाता है। हाई टेम्परेचर की वजह से HDPE पिघल कर प्लास्टिक पेस्ट में बदल जाता है। पेस्ट तैयार होने के बाद जो भी सामान बनाना हो उसी सांचे में इस पेस्ट को डाल दिया जाता है। सांचे में पेस्ट को डालने के बाद प्रेशर की मदद से इसे सामान का आकार दे दिया जाता है। यदि प्लास्टिक का बैग बनाना हो तो पहले बैग के सांचे में प्लास्टिक पेस्ट को डालना होता है और फिर बैग के आकार में प्लास्टिक को काटना होता है। इसके बाद हवा भर कर उस प्लास्टिक के टुकड़े को बैग का आकार देना होता है। प्लास्टिक का उपकरण बनाना हो तो फिर बड़े सांचे में प्लास्टिक को डालकर उसमें हवा भर कर ड्रम का आकार दे दिया जाता है। प्लास्टिक की कुर्सी बनाने को भी यही मटेरियल काम आता है। सांचे को बदल दिया जाता है। प्लास्टिक में कलर मिलाने के लिए अलग मटेरियल मिलाया जाता है और हो जाता है उस रंग का प्लास्टिक का सामान तैयार। नंबर 7, पेंसिल। पेंसिल के बिना स्कूल लाइफ शुरू ही नहीं हो पाती। जिस पेंसिल से आपने स्कूल लाइफ शुरू की है आज देखिए उस पेंसिल का निर्माण कैसे होता है। पेंसिल को बनाने के लिए सबसे पहले ग्रेफाइट और क्ले पाउडर को अच्छे से मिक्स करके एक मशीन में डाला जाता है। इससे पेंसिल का लेड तैयार होता है। कलर पेंसिल तैयार करने के लिए ग्रेफाइट और क्ले पाउडर में कलर मिला दिया जाता है। लेड तैयार होने के बाद इसे लकड़ी के दो लेयर के बीच डालकर लकड़ी को चिपका दिया जाता है। इसके बाद इस पर पेंटिंग की जाती है और कंपनी का नाम प्रिंट करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। नंबर 8, PVC पाइप्स। PVC पाइप्स बनाने के लिए सबसे पहले PVC पाउडर को कई और केमिकल के साथ अच्छे से मिक्स किया जाता है। जब ये पाउडर दूसरे केमिकल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है तब इसे मशीन के द्वारा सुखाया जाता है। सूखने के बाद इसे दूसरी मशीन में डाला जाता है। दूसरी मशीन इस पाउडर को लिक्विड फॉर्म में बदल देती है। लिक्विड एक पतले रोलर पर गिरती है। गोल गोल घूमने की वजह से ये रोलर लिक्विड प्लास्टिक को पाइप का शेप देता है। जैसे जैसे पाइप बाहर की ओर आता है इस पर पानी गिरता है ताकि इसका टेम्परेचर कम हो सके। नॉर्मल टेम्परेचर होने पर इसे दूसरी मशीन द्वारा परफेक्ट गोल आकार दे दिया जाता है। पाइप की जितनी लंबाई चाहिए उतना होने के बाद इसे काट दिया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।